रहेगा आपका जिस तरीके से इंडिया का भी एक जो इंडिया अलायंस है उसका भी एक स्ट्रेंथ टेस्ट होगा ये आपका क्या? नहीं नहीं वो देखिए लोकसभा में तो बीजेपी की मेजोरिटी है तो सीधी बात है वो बिल पास होगा। ये बिल पास भी होना चाहिए, ये संविधान से मेरे हिसाब से तो उसके जो दिल्ली का स्टेटस है उसके हिसाब से है, कोई इसमें गलत बात नहीं। मैं तो बार बार इस बात को उठा रहा हूँ। ठीक है, अब वो अकेले अरविंद केजरीवाल ने पूरे के पूरे एनडीए महागठबंधन को एक तरीके से गलत समझाया है, तो अब ठीक है कोई कब जब कोई बड़ा गठबंधन गलत समझ ले तो वो उनकी गलती है, उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। आपके हिसाब से ये बिल को आप कैसे आंकते हैं? जो नहीं ठीक है, देखिए जो मेरा ये कहना है कि अगर दिल्ली को आपको पावर देनी है तो दिल्ली को पूरा राज्य बनाइए। ठीक है, यूनियन टेरिटरी की तो इतनी ही शक्तियां होती हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आपको चाहते हैं कि पूरे राज्य का दर्जा मिले, पूरे राज्य का दर्जा दो ना, वो बिल क्यों नहीं ले आते? इतना सब एनडीए 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 बीजेपी सब मिलके ले आए बिल कर दें भाई। आपको अगर इतनी वो है, दिल्ली का जो स्वरूप है उसके हिसाब से ऑर्डिनेंस उन्हीं शक्तियों का बंटवारा उसी तरीके से कर रहा है जो दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और दिल्ली के एक्ट की मूल भावनाओं में था, इसलिए इस बिल को अपोज करना मेरे हिसाब से गलत है। अब वो जैसे मैंने कहा कि अकेले केजरीवाल ने पहले दिल्ली को जिस तरीके से बनाया था उसके बाद जैसे देश को बनाया उसने पूरे इंडिया को बना रखा है। इंडिया जो अलायंस है वो तो इसके वो ठीक है ठीक है ठीक है, वो इस चीज को मैं कोई गंभीरता से नहीं लेता हूँ। अगर आपके हिसाब से बिल हाँ बिल ठीक है, बिल में कोई दिक्कत नहीं है।